जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों, आज का जो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बहुत सालों से, 2-3 साल से 4 साल से 5 साल से किसी भी फोर्स में लगने की या गवर्नमेंट जॉब लगने की ट्राई कर रहे हैं और हताश हो गए हैं, या एसएससी जीडी के वो कैंडिडेट जो मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनल मतलब मैसेज कर रहे हैं अपनी परिवार की स्थितियों को मतलब बता के कि सर हमारी ऐसी स्थिति है, हमारा तो मतलब इस लेवल तक दिल हो गया कि मतलब कुछ खा के कुछ कर लें या मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो उनके लिए दोस्तों मैं बता दूं कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मतलब फ़ोर्स की तैयारी कर रहे हो, फौजी बनने वाले हो, तो याद रखना ज़िंदगी में फ़ौज केवल एक ही मोटो पे चलती है कि जो आपदा को अवसर में बदल दे, वही एक सच्चा फौजी होता है। तो अगर आप में ये काबिलियत नहीं है तो आपको बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगी। आपदा को अवसर में कैसे बदले, तो इसके लिए आपके पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मान लो आपकी ज्वाइनिंग लेट आ रही है तो ये आपके लिए एक आपदा है, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग लेट आ रही है, 3 साल हो गए एसएससी जीडी को और अभी भी आपकी मतलब ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। लेकिन अब करें क्या, तो क्यों नहीं आप जो जैसे अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, इस एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करते हैं, या सीपीएसआई का एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी करिए, डिपार्टमेंटली जो एग्ज़ाम हो गया आपके मिनिस्ट्री उसकी तैयारी करिए, आप टाइपिंग सीखिए घर से जाके, क्योंकि यहाँ पर जैसे भी आप ज्वाइन करोगे अगर आपको टाइपिंग आती है आपकी पहुँच पहुँच हो जाएगी, ऊपर से नीचे तक बाबूजी करेंगे। तो ये होता आपदा को अवसर में बदलना। मतलब आपदा तो है ही, ज्वाइनिंग तो नहीं आ रही, आप तो ला नहीं सकते, ना मैं ला सकता, तो अब इसको अवसर कैसे, अवसर के रूप में ऐसे है कि आपको पता है आपका नंबर आ जाएगा या आपको लगता है कि नहीं भी आएगा या फिक्स पे हो, तो आप तैयारी करिए दूसरे एग्ज़ामों की और इस एग्ज़ाम को साइड में कर लीजिए। ये आपके सिक्योर है कि भाई आएगा तो चले जाएंगे, और जिनके अच्छे नंबर जैसे 5 नंबर 10 नंबर ज़्यादा है उनको पता है मेरा नंबर आ जाएगा तो वो टाइपिंग सीख सकते हैं। बड़े एग्ज़ाम की जैसे CPO SI की, RPF SI की, स्टेट पुलिस SI की, इनकी तैयारी कर सकते हैं, साथ में वो अच्छे से टाइपिंग सीख सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। तो ये होता है आपदा को अवसर में बदलने वाली बात। तो दोस्तों, जो भी लोग दूसरे अब जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आपदा है कि वो क्या करें, उनका नंबर नहीं आ रहा, तो हमेशा ध्यान रखिए अगर आपका नंबर नहीं आ रहा तो साइड में एक दिमाग हमेशा चला के रखिए कि अगर मेरा नंबर नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। जीवन को बिजी रखिए तो आपको गलत कोई भी गलत चीज़ें सामने नहीं आएगी। अब आप वो क्या कर सकते हैं, जैसे आप तैयारी तो कर रहे हो, आपका नंबर नहीं है, साथ में एक आपकी जो काबिलियत है कि भाई मेरी तो ये काबिलियत है कि मैं ये कर सकता हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे तैयारी के साथ काम कैसे कर सकते हैं, मेरा अभी भी एक दोस्त टीचर बना है तो वो पेंटिंग करता है और साथ में पेंटिंग के काम करता करता वो गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड टीचर बन गया। तो जो लोग बोलते हैं ना कि काम के साथ पढ़ाई नहीं होती, ये बहुत ही गलत बात है। काम के साथ पढ़ाई किसने नहीं की, हमने भी काम करके पढ़ाई की है, मैं भी कोचिंग में पढ़ाता था साथ में पढ़ाई की है। तो आप भी साइड में एक वैसा चला के रखिए, तो वो होता है आपदा को अवसर में बदलना, यानी आपका एक अवसर भी मतलब आपको इनकम का एक सोर्स भी शुरू कर दिया है और आप एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो। जब तक आपका नहीं आ रहा तब तक आपका ये सोर्स धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और अगर जिस दिन आपको लगा कि आपको अब नहीं आएगा उस दिन भी ये एक दूसरा काम आपके साथ में चलेगा। ये उन लोगों के हैं जिनको 4-5 साल तैयारी करते हुए हो गई है। जो नए नए तैयारी करने हैं उनका पूरा फोकस तैयारी में होना चाहिए ताकि थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट आए। तो दोस्तों इस प्रकार, दूसरी आपको मैं बात बता दूं कि याद रखना जीवन में किसी भी फोर्स का मोटो या किसी भी फौजी इंसान को अगर आपने देखा है, चाहे उनका मोटो भी नहीं है, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि मेन चीज़ उनके दिमाग में यही होती है कि वो जब फैसला लेते हैं तब ये डिसाइड नहीं करते हैं कि ये सही या गलत है। जब फैसला ले लेते हैं और जो फैसला ले लेते हैं उसको सही साबित कर देते हैं। किसी भी फौजी इंसान को आप अगर मिलोगे तो आपको ये चीज़ महसूस हो जाएगी कि अगर वो कोई फैसला ले रहा है आपको भले ही वो लगता है कि ये गलत है, अगर उसने ये बोला कि ये सही है वो उसको सही साबित कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, तो जीवन में फैसले लेने से ना डरें, जो फैसला लिया है उस पे कायम रहे और उसको साबित कर दो कि ये मैंने सही ही किया। आप देखना कभी अगर कहीं फौजी का खेत में या कहीं काम कर रहा है आप उसको बोलोगे कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा नहीं जो मैंने सोचा वैसे ही करूँगा, जो मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे करूँगा तो वो वैसे ही करेगा, क्योंकि उसका दिल दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि अगर मैंने सोचा तो ये सही होगा और मेरा दिमाग बोलता सही, और लास्ट में आपको एग्री करना पड़ता है उसके साथ में कि आपने सही किया है। ये आपने कई जगह देखा होगा, तो आप में भी यही काबिलियत है। आप अगर मान लो आज फौजी नहीं बने, आने वाले 2-4 साल में बनेंगे, जो पैदा बाद में हुआ फौज में बाद में, अब जैसे हम आपसे पहले पैदा हुए हैं तो आपसे आगे ही रहेंगे ना 2 कदम, तो आप हमसे बाद में पैदा हुए तो आप भी बन जाओगे थोड़े से दिनों में। ये तो है नहीं कि आप नहीं बनोगे, अब जो पहले पैदा हुआ, जो संसार में पहले आया, तो आपसे थोड़ा सा आगे चलेगा। तो मतलब आपकी सोच भी ऐसी होनी चाहिए, नेगेटिव सोच को हमेशा पास में नहीं आने देना चाहिए। कोई भी अगर फैसला लेते हो तो उसको फिक्स लेना, अगर आप बोलते हो कि हाँ मेरे को तैयारी करनी है तो करनी है, अगर मेरे को जॉब लगना है तो लगना ही है, मतलब उसको साबित कर देना है कि आपने अगर कोई दूसरा काम उसके लिए छोड़ा है तो जो काम आपने पकड़ा है
उसमें लोग लास्ट में ये बोलने चाहिए वाकई में तुमने सही डिसीजन लिया था और बहुत ही अच्छा किया है। तो दोस्तों याद रखें, जीवन में नेगेटिविटी ना आने दे, आपदा को अवसर में बनाने वाली बात हमेशा याद रखें। अगर आप सच्चा फौजी बनना चाहते हो, अगर आप फौज की तैयारी भी कर रहे हो, तो आपके मोटो ये होना चाहिए कि मैं कैसे किसी भी आपदा को अवसर में बदलूँ। आपके जो परिवार की स्थिति है, गरीब दयनीय स्थिति है, मुझे पता कई लोगों की दयनीय स्थिति है, कई लोगों के खाने पीने के इतनी तो मतलब कई लोगों की बहुत ही रेयर केस में होगी किसी के खाने पीने की कमी है, लेकिन ऊपर वाले ने जिन्हें जिसने बोलते हैं जिसने चूस दी उसको चुगा भी देगा। तो हिम्मत रखे, हिम्मत वाले ने दुनिया जीती है, बुजदिलों ने कुछ नहीं। ठीक है, जो बुजदिल कर गया, जो जिसमें हिम्मत नहीं है, लड़ने की शक्ति नहीं है, उनको कुछ नहीं मिला इस दुनिया में। जैसे हमारे उधर राजस्थान में एक वो कहावत है गुजरों के कि माया बादल जो भेली हुए तिरवा यीशु जाए आगड़ी, कायर नर भेली करे नरमुछाला खाए। कि माया बादल जो भेली हुए तिरवा यीशु जाएगी, कि जब माया इकट्ठी होती है किस प्रकार से होती है, जब बादल इकट्ठे होते हैं ना वैसे, और जैसे हवा चलती है वो सब तितर बितर। कि कायर नर भेली करे, यानी जो कायर या कमज़ोर बुजदिल के होते हैं वो इकट्ठे करते रहते हैं जीवन पर, और जो हिम्मत वाले होते हैं जिनकी हिम्मत होती है वो खाते रहते हैं जिंदगी भर, वो इकट्ठा करने में नहीं बिलीव करते। तो याद रखें, हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ है, आपको हिम्मत रखनी है अपने किसी अगर आपकी गरीबी स्थिति है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हिम्मत हार गए तो कुछ नहीं, संसार हार गए। याद रखना, ज़िंदगी में अगर जिद नहीं की तो कुछ नहीं की। जिद वालों ने संसार जीता भी है, और जिन्होंने जिद की उनकी पूरी हुई है। जैसे महाराणा प्रताप ने की थी कि मैं कभी भी अपनी स्वतंत्रता नहीं दूंगा, जीवन भर गुलामी कभी पसंद नहीं करूंगा। तो कभी महाराणा प्रताप को कोई गुलाम बना पाया है क्या? वो उसकी जिद थी, जबकि मुगलों की कितनी फौज थी और महाराणा प्रताप का कितनी सी फौज थी, बिल्कुल छोटी, मतलब 5% के बराबर भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस बंदे ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। और आज हम इतिहास भी पढ़ते हैं उनको स्वतंत्र ही माना जाता है, उसने कभी अधीनता जंगलों में रहना मंजूर कर लिया लेकिन स्वतंत्रता अपनी नहीं दी, अधीनता स्वीकार कभी नहीं की। इसीलिए जिद होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। अगर आप तैयारी करते हो तो आप में जिद या जुनून होना चाहिए, ऐसे ही कुछ नहीं होता है, ये भी कर लो वो भी कर लो कि लगेगी लग नहीं रही है, रोने से कुछ नहीं होगा। रोने से राजपाट किसी को मिले हैं क्या? लड़के ही मिले, इतिहास पढ़ लेना, रोने से राजपाट नहीं मिलते। तो दोस्तों जिद होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, बुजदिलों का कुछ नहीं है इस दुनिया में। जो बुजदिल है ना उनका पूछ लेना आप, आपके आस पास उसमें जिसमें हिम्मत बंदे हैं वो घर का काम भी करेगा और साथ में तैयारी करके एक दिन अच्छा सिपाही जवान भी बन जाएगा। वो मेहनत करने वाला चाहिए, दिन छोटा बड़ा नहीं होता है। आपको पता है जिस बेवकूफ़ ने ये बात बोली है ना कि 6 घंटे नींद स्वास्थ्य के लिए चाहिए, ये बहुत ही गलत बात बोली है। अगर 6 घंटे नींद स्वास्थ्य के लिए सबसे बेस्ट है तो फौजी इंसान का फिजिकल सबसे अच्छा क्यों होता है, जबकि फौजी इंसान लगातार 6 घंटे कभी नहीं सोता है। आप किसी भी फौजी से पूछ लेना कि अगर लगातार वो 6 घंटे की नींद कंप्लीट करता है क्या, वो सप्ताह में से 6 दिन 7 दिन में से 6 दिन 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेता। और जो पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है वो भी 4 से 5 घंटे की नींद लेके पढ़ सकता है, मेहनत कर सकता है, घर भी चला सकता है और अपनी मेहनत भी कर सकता है और जो भी पा सकता है। तो दोस्तों हिम्मत होनी चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए किसी भी चीज़ का लगने का, कुछ भी करने का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वही 6 घंटे वाली नींद वाली इसके चक्कर में मत पड़ना। अगर आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, घर की स्थिति खराब है तो काम के साथ में पढ़ाई भी कर सकते हो। सुबह 4 बजे उठ के 7 बजे तक पढ़ के फिर घर का काम भी कर सकते हो, खेती का काम भी कर सकते हो, जब भी टाइम मिले पढ़ सकते हो। याद रखना, जिस दिन ट्रेनिंग में जाओगे किसी भी फोर्स की ट्रेनिंग में, उस दिन ये बोलोगे कि अगर इतना काम मैं घर पर कर लेता तो IPS बन जाता, गारंटी मेरी, सभी बोलते हैं, हमने भी बोली। तो वहाँ पे जब इतनी मेहनत करोगे, क्योंकि पीछे डंडा रहेगा, तो यहाँ पे भी उतनी मेहनत करो ताकि वहाँ तक पहुँच जाओ। जय हिंद।